आप गरीब हैं पैसे कमाने की वजह से नहीं, टाइम कमाने की वजह से। इसे कहते हैं टाइम पॉवर्टी। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बहुत सारा काम खत्म करना है लेकिन टाइम बहुत ही ज्यादा कम है? अगर हाँ तो आप भी टाइम पॉवर्टी के शिकार हैं। देखिए फोर्ब्स की एक रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया है कि अभी 490 करोड़ लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं एंड ये नंबर बढ़कर 585 करोड़ हो जाएगा 2027 तक। मतलब सोचिए पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 810 करोड़ है एंड उनमें से 490 करोड़ लोग सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग इन अ वीडियो। आप लोगों के लिए वीडियो के एंड में एक 21 डेज चैलेंज का सरप्राइज है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ वापस आते हैं। तो देखिए सोशल मीडिया यूसेज स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो एक एवरेज ह्यूमन दिन में 145 मिनट यानी 2-2.5 घंटा सोशल मीडिया का यूज करता है। एंड अगर एक एवरेज ह्यूमन की लाइफ को 73 इयर्स माने तो 5.7 इयर्स आप सिर्फ और सिर्फ अपना फोन हाथ में पकड़े पकड़े सोशल मीडिया में ही गुजार देते हो। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करिए, नहीं तो टाइम आपकी जिंदगी को वेस्ट कर देगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है बट आपकी जिंदगी का बीता हुआ एक मिनट को आप करोड़ों अरबों रुपए देकर भी नहीं खरीद सकते हो। तो प्लीज आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए। आप लोगों को भी पता होगा कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कुछ चीजें आप नहीं खरीद सकते, वैसे ही अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको कई चीजों के लिए ना कहना पड़ता है, इवन फॉर थिंग्स दैट मेक्स यू हैप्पी। तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए ये टाइम वेस्ट करने की आदत को हमने कड़ी तपस्या से 20-22 साल में सीखी है एंड ये आदत को आप 1-2 दिन में चेंज नहीं कर सकते हो। सो इसके लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आप चाहे कोई भी टास्क कर रहे हो, आप उन टास्क को 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, रॉक्स, पेबल्स एंड सैंड। रॉक्स बड़े एंड इम्पोर्टेंट टास्क, पेबल्स छोटे एंड इम्पोर्टेंट टास्क, सैंड छोटे एंड अनइम्पोर्टेंट टास्क। आपका दिन एक खाली जार की तरह है, अगर आपने अपने जार सैंड से फिल किया तो वो झट से फिल हो जाएगा और फिर इम्पोर्टेंट टास्क के लिए टाइम ही नहीं बच पाएगा। इस ट्रिक में आपको सबसे पहले वो काम करने हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड आपकी जिंदगी में बहुत वैल्यू रखती है। ये वो काम होते हैं जिससे आपके आने वाला समय बेहतर बनेगा और अपने फैमिली वालों के लिए एक बेहतर आप जिंदगी क्रिएट कर पाएंगे। कुछ एग्जाम्पल इसका ये हो सकता है कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको उसके लिए पढ़ाई करनी है। आप अगर कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई स्किल सीख रहे हैं। आप अगर हाउसवाइफ हैं तो आप साइड इनकम के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं एंड अगर आप एक एफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग करती हैं तो आप कुछ ना कुछ सोशल एक्टिविटीज कर रहे हैं। या अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप अपने करियर ग्रोथ के बारे में सोच सकते हैं एंड अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपना बिजनेस एक्यूमेंट डेवलप कर सकते हैं। तो ये है वो सारे रॉक्स जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ना उसके बाद आता है पेबल्स। ये वो काम होते हैं जो दिन भर में करना ही करना पड़ता है, इससे आप बच नहीं सकते। ये टास्क इम्पोर्टेंट होते हैं बट छोटे होते हैं। लाइक अगर आपको कोई बुक परचेस करना है या घर का कोई काम करना है या अर्जेंटली कहीं बाहर जाना पड़ गया या एक्सरसाइज करना है या सफाई करना है, ये कुछ ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं जो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होती है एंड आप इससे बच नहीं सकते। तो पहले आप रॉक से अपने टाइम का जार फिल करिए, उसके बाद पेबल से एंड फिर ये दोनों जब हो जाए फिर आप सैंड से भरिए। सैंड मतलब आपका लेजर टाइम, फोन चलाना, फैमिली टाइम, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करिए, वो काम करिए जिससे आपको खुशी मिलता है। बट मोस्ट ऑफ द लोग ये गलती करते हैं कि वो लोग शुरू में ही जार को सैंड से फिल कर देते हैं एंड रॉक्स एंड पेबल्स के लिए जगह ही नहीं बचता। सो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा एंड इस टेक्निक को फॉलो जरूर करिएगा। नाउ अब बात करते हैं वो 21 डे चैलेंज के बारे में जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में की थी। तो देखिए इसमें क्या है कि आपको कमेंट में आई एक्सेप्ट 21 डेज चैलेंज लिखना है एंड जो भी मैंने रूल्स इस वीडियो में बताए हैं इसके हिसाब से आपको अपने टाइम को मैनेज करना है एंड 21 डेज के बाद आके वापस से अपने एक्सपीरियंसेस को इस वीडियो में डालिएगा एंड जो जो लोग इस 21 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे एंड उसको कंप्लीट करेंगे उसके बाद मैं उनके एक्सपीरियंस का इंटरव्यू लेकर मेरे इस चैनल में डालूंगा एंड मेरे जितने भी इंस्टाग्राम में पेजेस हैं, व्हाट्सएप के नेटवर्क हैं, सब में शेयर करूंगा। आप बस 21 डेज के बाद अपना ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम का लिंक कमेंट में डाल दीजिएगा ताकि हमारी टीम आपको अप्रोच कर पाए एंड आपका इंटरव्यू मैं ले पाऊं एंड आपका भी वीडियो सारे लोग देख पाए जिससे कि आपके एक्सपीरियंसेस को सारे लोग सुन पाए एंड आपसे इंस्पायर हो पाए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।